बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्वीट कॉर्न इन कप्स। ये हम जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ बहुत बच्चे भी और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, एक कप है मेरे पास। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न टिन वाले ले सकते हैं, चाहे तो सादे वाला भुट्टा लेके उसको बॉयल कर सकते हैं 5 मिनट पानी में, और चाहे तो राख वाला जो भुट्टा होता है वो लेके उसके दाने निकाल सकते हैं। ये मेरे पास राख वाला भुट्टा है। एक कप मैंने ये लिया। स्पाइसेस में जाएगा चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, 2 पिंच है तकरीबन, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, और चाट मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, बटर है 1 टेबल स्पून, बटर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये ऑयल में नहीं बनेगा, बटर में अच्छा लगता है, और एंड पे हम इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप मैं डालूंगी। तो चले शुरू करते हैं। मैंने एक पैन लिया, उसमें एक टेबल स्पून मैंने बटर डाला, और साथ ही हम इसमें कॉर्न डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट हम इसमें फ्राई करेंगे अच्छा सा, जब तक के बटर मेल्ट ना हो जाए। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे, बहुत हाई नहीं करेंगे इसको। ये मेल्ट हो गया है, अब मैं इसको ढक्कन दे दूंगी सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए, और फ्लेम और स्लो कर देंगे ताकि ये जले ना, और इतनी देर हम इसको ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह गल जाए। पाँच मिनट हो गए हैं, बहुत मज़े के खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि ये इसमें फ्राई हो गया है मक्खन में। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूंगी, और मैंने 1/2 टीस्पून चीनी भी ली है। सारे स्पाइसेस गए इसमें, और साथ में 1 टेबल स्पून हम इसमें केचप डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स किया, देखिए कितनी जल्दी झटपट ये एक रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि सारे स्पाइसेस जो है और चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए। ये करने के बाद इसको मैं कप में निकाल लेती हूँ। देखिए ये तैयार हो गया, मैं इसको सर्विंग कप में निकाल देती हूँ। इसके लिए आप कप कोई फैंसी सा ले लें, प्यारा सा ले लें, या आप इसको ग्लास में भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पुदीना डालूंगी, 2-3 पत्ते, और 1/2 टीस्पून जितना इसमें हम केचप डालेंगे ताकि पता चले कि ये केचप वाली कॉर्न है। अब हम दूसरा तैयार करते हैं अपनी रेसिपी को। उसी तरह मैं दूसरी रेसिपी तैयार करूंगी, लेकिन ये बहुत ही चटपटी होगी, वो स्वीट कॉर्न है और ये चटपटे कॉर्न है। बटर लिया मैंने 1 टेबल स्पून, कॉर्न लिए हैं मैंने 1 कप, लेमन 1/2, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप में 1/2 से थोड़ा सा कम ही जाएगा, पूरा 1/2 ना डालें क्योंकि काफ़ी जूसी है। और 1/2 मैंने लिया है सब्ज़ मिर्च, उसको चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में जाएगा नमक है 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है 2 पिंच, और सुरख मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च 1/2 टीस्पून। आइए शुरू करते हैं। मैंने बटर डाली है, उसमें कॉर्न डाले। बटर में हम कॉर्न को फ्राई करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। इसको अच्छी तरह मेल्ट की हो गया मक्खन, अब हम इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और मिलते हैं 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट हो गए, इसको भी फ्राई होते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और कलर देखे मक्खन की वजह से वाइट वाइट हो गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डालूंगी मैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी, मिक्स करने के बाद इसमें लेमन जूस डालूंगी और चॉप हरी मिर्च डालेंगे इसमें। बस ये तैयार हो गया है, अब हम इसको कप में निकालेंगे।
देखिए मैंने इसको भी कप में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लेमन जूस और डालेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। देखिए कितनी जल्दी झटपट रेसिपी तैयार हो गई और मज़े की, और ये गर्मा गर्म ही सर्व किया जाता है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि आपके स्वीट कॉर्न्स कैसे बने और चटपटे कॉर्न्स कैसे बने। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।